नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का रंजना वेस्ट चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ बनाने आप लोगों के सामने। तो मैं रेसिपी जो बनाऊंगी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ परवल और आलू की सब्जी। परवल और आलू की सब्जी मैं कैसे बनाऊंगी ये तो आप लोग को पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं चलूंगी परवल को तोड़ने, और परवल हमारा जो है कि हमारे घर के बगल में ही लगाया हुआ है, हमारे घर पर ही है, तो उसको मैं चलूंगी तोड़ने। तो चलती हूँ अपने परवल के पेड़ के पास, आइए आप लोग को भी दिखा देती हूँ हमारा परवल का पेड़। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से लटक रहा है। ये देखिए, हमको जितना बनाना है हम उतना परवल तोड़ लेंगे। परवल तोड़ लेती हूँ ये देखिए, और इसको हमें एक प्लेट में रख दूंगी। तो इसी तरह से मैं परवल को तोड़ लूंगी जितना हमको बनाना है। तो ये घर का परवल है, इसलिए देखिए इसमें पतले पतले से रोवा निकला हुआ है। तो इसी की सब्जी हम बनाने वाले हैं। तो इतना परवल हमने तोड़ा हुआ है ये देखिए, तो अभी इस पे परवल नहीं लगे हुए हैं, एक है ये अभी छोटा है तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमको इतना परवल मिला हुआ है, तो इसको अब हम लेके चल रहे हैं, इसकी सब्जी बनाएंगे। तो हमारे यहाँ इसको पटर भी बोलते हैं और परवल भी, तो आप लोग इसको क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलती हूँ अपने चूल्हे के पास, हमारा परवल लगाया हुआ है ये देखिए इधर भी फरा हुआ है, ये बहुत ही अच्छे से, ये देखिए काफ़ी सारा परवल है हमारे पास। मैं अपने चूल्हे के पास आ चुकी हूँ, और आइए आप लोग को दिखा देती हूँ सबसे पहले कि हमने क्या क्या सामग्री लिया हुआ है परवल की सब्जी बनाने के लिए। तो आइए आप लोग दिखा देती हूँ, ये देखिए हमने इतना सारा सामग्री लिया हुआ है परवल की सब्जी बनाने के लिए। तो ये हमने जो परवल को तोड़ा हुआ था इसको हमने अच्छी तरह से पानी से धुल दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इधर और कुछ हमने सब्जियां लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है दो टमाटर, और ये है लहसुन, लहसुन को हमने छील लिया है, और अदरक, अदरक का भी छिलका हमने उतार दिया है, और तीन हरा मिर्च, और ये तीन आलू। जो परवल है हम आलू और परवल मिक्स करके बनाएंगे। और ये है प्याज, प्याज का भी छिलका हम उतार दिए हैं। और इधर हमने मसाला लिया हुआ है, आइए आप लोग को बता देते हैं मसाले में हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो यह है खड़ा गरम मसाला, और तेज़पत्ता, और नमक स्वाद के अनुसार। तो ये हमने लिया हुआ है लाल मिर्च खड़ा है, और सरसों का तेल दो बड़ा चम्मच, और हल्दी एक चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, हींग आधा चम्मच, जीरा को भी हमने आधा चम्मच लिया हुआ है, ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर को एक चम्मच लिया हुआ है। तो इतना सारा सामग्री हमने लिया हुआ है परवल की सब्जी बनाने के लिए। तो आप लोग देख लिए हैं कि हमने कितना सारा सामग्री लिया हुआ है परवल की सब्जी बनाने के लिए। तो अब मैं चल रही हूँ सबसे पहले सब्जी जो हमने लिया हुआ है इसको चाकू से कट कर लूँगी, और मैं किस तरह से सब्जी को कट करूँगी आइए आप लोग को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आलू को कट करूँगी, तो आलू को हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे, ये आप लोग देख, तो आलू को हम इस तरह से कट कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। तो दूसरा आलू भी हम कट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आलू हमारा कट कर तैयार है। तो अब हम चल रहे हैं जो हमने हरा मिर्च लिया हुआ था इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे, हमारा कट चुका है। तो अब हम चल रहे हैं इसका हम पेस्ट बनाएंगे अदरक का और लहसुन का भी, तो इसको हम नहीं कट करेंगे। अब हम चल रहे हैं टमाटर को कट करने, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो प्याज को भी हम कट कर लेंगे, प्याज को एकदम हम बारीक और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, ये देखिए हमारा अच्छी तरह से कट चुका है, ये देखिए। तो प्याज को हम रख देते हैं और पटर को काटेंगे। तो पटर को हम इस तरह से कट कर रहे हैं,
इसका ऊपर का जो परत है थोड़ा इस तरह से हम देखिए छील करके बहुत ही अच्छे से इसका छिलका हम उतार दे रहे हैं और इसको हम इस तरह से कट कर रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से पटर को कट किया है, तो इसी तरह से हम दूसरा पटर भी कट करेंगे। ये देखिए इसका भी ऊपर का छिलका थोड़ा सा हम उतार देंगे, तो इसको भी हम बीच से इस तरह से कट करेंगे और इस तरह से कर देंगे। ये देखिए अच्छे से, तो इसी तरह से हमने जितना पटर लिया हुआ है सभी पटर को कट कर लेंगे। तो पटर को भी हमने इस तरह से कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं पटर हमारा अच्छे से कट गया है। तो अब मैं चलूँगी, सबसे पहले टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी और लहसुन का और अदरक का भी और प्याज का भी हम पेस्ट बनाएंगे। तो मैं अपने सिलबट्टे के पास आ चुकी हूँ और सिलबट्टे को हमने पानी से अच्छी तरह से धुल दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैं चल रही हूँ अदरक का, अदरक को इस तरह से सिलबट्टे पर रख करके कूच लूँगी, तो इसका हम पेस्ट बना देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा अच्छे से इसको हमने कूच लिया है, देखिए। तो इसको हम ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, तो इसको अभी एक थाली में रख लेंगे इस तरह से। और अब मैं लहसुन का भी पेस्ट बनाऊंगी। लहसुन हमारा अच्छी तरह से, इसको भी हमने ज़्यादा महीन नहीं पीसा हुआ है, ये देखिए इसको भी अभी थाली में रख लेंगे। टमाटर को भी हम सिलबट्टे पर रख करके इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह से, देखिए। हमने आग को जला लिया है, आप लोग देख सकते हैं आग हमारी अच्छी तरह से जल रही है। तो अब हम इस पर कढ़ाई रख देंगे, तो कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें तेल डालेंगे। और तेल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हम जो हमने पटर लिया हुआ है परवल को इसमें डालकर थोड़ा भुनेंगे। तो जो हमारा परवल है इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ये देखिए। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो परवल को हम अच्छी तरह से, हमने जो नमक डाला था उसको अच्छी तरह से मिला देंगे, देखिए। तो इसको हम कुछ टाइम के लिए, इसको हम थाली से ढक देते हैं दो मिनट के लिए। दो मिनट हमारा हो चुका है, थाली को हम हटा देते हैं और देखते हैं हमारा परवल किस तरह से। ये देखिए परवल हमारा इस तरह से हो गया है, हमारा इतना एक्स्ट्रा बच चुका है। तो इसको हम एक बगल कर दे रहे हैं एक साइड में, ताकि जो तेल है अच्छे से निकल जाए। तो परवल को हमने रिफाइंड के तेल में भुना हुआ है, अब इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए परवल हमारा बहुत ही अच्छे से भुना हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छे से पका भी है। तो इसको अब हम रख देते हैं। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है, दो बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल लिया हुआ था। तेल हमारा गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम जीरा डाल देंगे, जीरा हमारा चिटक रहा है। और अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला डाल देंगे और तेज़पत्ता जो हमने लिया हुआ था और खड़ा हरा मिर्च। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, तो प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन का पेस्ट और अदरक का भी, देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें पीसे हुए मसाले डाल देंगे, ये हमने लिया हुआ था एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम इसमें डाल देते हैं अमचूर पाउडर। अब हम ऊपर से डाल देते हैं इसमें हींग। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है, अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, तो पानी हम सिर्फ एक गिलास ही डालेंगे। तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, तो इसको अब हम अच्छी तरह से कलछुल से चला देंगे
सब्जी में हमारे उबाल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम परवल को डाल देंगे और आलू भी डाल देंगे। आलू को हमने फ्राई नहीं किया है, आप लोग चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो अभी इसको भी हम पकाएंगे। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं थाली से। 5 मिनट के बाद आप लोग को हम दिखाएंगे। हटा करके अब हम देखेंगे हमारी सब्जी अच्छे से पकी हुई है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से पक कर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बहुत अच्छी लग रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। काफ़ी अच्छे से सब्जी हमारी पक कर तैयार हो चुकी है। तो इसको अभी हम चूल्हे से नीचे उतार कर रख लेंगे इस तरह से। वाह दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। वाह कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों। तो आप लोग इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आलू और परवल की सब्जी बनकर तैयार होगी। इसको आप पूड़ी या फिर पराठा या फिर रोटी किसी भी चीज़ से बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं, या फिर चावल से भी अच्छी तरह से खा सकते हैं आप। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी थी परवल और आलू की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम समय में बिल्कुल देसी तरीके से इसको हमने बनाया हुआ है। इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइए इसी तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी आपका बनकर तैयार होगी। तो आज की हमारी रेसिपी यहीं तक थी, अब यहीं पे हमारी रेसिपी जो है ख़त्म होती है। आप लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो और अब यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।